नमस्कार दोस्तों, सुरताल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सुरताल हारमोनियम लेसन्स की सीरीज में ये आज मेरा 51th लेसन आज पब्लिश होने जा रहा है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे सुरताल परिवार में 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और जो भी नए लोग हैं मैं सभी से बोलूँगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मैंने आपको 3 ताल और 1 ताल और झपताल, इस प्रकार से तालों के लेसन्स दिए हैं, और स्केल के लेसन भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो स्केल्स के लेसन में मैंने आपको जी शार्प और ए स्केल बता दिया है। आज मैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल ए शार्प स्केल बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सी शार्प स्केल एक यूनिवर्सल स्केल माना जाता है, अगर इसे माना जाए कि ये फिक्स है मेल स्केल के लिए, उसी प्रकार से जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ए शार्प स्केल बहुत महत्वपूर्ण है। वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकती हैं, उनके लिए यूनिवर्सल स्केल मान सकते हैं कि यहाँ से फिक्स है, उनका एक स्केल माना जाता है। और ऐसे स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट्स जिनकी आवाज़ ऊपर जाने में, ऊपर के स्केल में उनको दिक्कत होती है, वो भी अपना स्केल ए शार्प स्केल को बना सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको ए शार्प स्केल के बारे में बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी कॉर्ड थाट और कुछ अलंकारों की उस पर प्रैक्टिस होगी। हमारे लेसन्स कुछ लेट पब्लिश हो रहे हैं, तो एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी लेसन्स हैं वो एक पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप लोग जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर आप एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पहले लेसन से चीज़ों को सीखें और किसी भी लेसन को स्किप ना करें। हर एक लेसन की अपनी विशेषता है, मैंने सभी लेसन्स को एक पैटर्न के आधार पर दिया है, वो चीज़ें आपको सिखाती हैं, तो किसी भी लेसन को स्किप ना करें और अच्छे से हारमोनियम को सीखें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल की पहले मैं सरगम एक बजा देता हूँ, आप देखें इसे। स्केल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है किसी भी स्केल को निकालने के लिए, ग और म के बीच में किसी भी सुर का गैप नहीं, और नी और सा के बीच में किसी भी सुर का गैप नहीं। जो सा हमारा ये लास्ट वाली की है, इसे पांचवी काली स्केल भी बोलते हैं, पांचवी काली, ए शार्प स्केल या पांचवी काली आप इसे बोल सकते हैं। तो वही चीज बताने जा रहा हूं कि स्केल निकालने का वही तरीका है कि ग और म के बीच में एक किसी भी की का गैप नहीं, और नी और सा के बीच में किसी भी की का गैप नहीं। तो आइए हम कुछ अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने पिछले लेसन में आपको जस्ट, जो इसका हमारा 50th लेसन था, उसमें मैंने आपको एक ताल के बारे में बताया था। तो उसी स्केल में, उसी ताल में हम आइए कुछ अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार से सभी जितने भी मैंने अभी तक आपको अलंकार बता दिए हैं, अभी तक कुल मिलाकर 26 अलंकार मैंने आपको बता दिए हैं। आइए मैं आज आपको एक नया अलंकार, एक जो 27वां अलंकार है, जो एडवांस अलंकार की सीरीज है उसमें 21 से 26 तक मैंने आपको बता दिया है, आज इस स्केल में मैं आपको एक नया अलंकार बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आवाज, गले की रियाज के लिए, सुर के रियाज के लिए ये अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे सुने और सभी स्केल में इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं इसको बजाता हूँ। सीधा सा से सीधा तार सप्तक के सापे जाना है,
ये इसका आरोह है। आरोह हो गया सा से सा, फिर एक एक सुर कर करके नीचे आना है। थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि हम अगर एक सीढ़ी की तरह सुर को चढ़ते हैं सा रे गा मा, तो वो उन्हें लगाना आसान होता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट गैप कर करके किन्हीं सुरों पर जाते हैं तो उन्हें लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो इस अलंकार को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये आपकी सुर की पकड़ को मजबूत करने में बहुत ही सहायक होगा। तो ये इसका आरोह हो गया। अवरोह जस्ट इसका उल्टा करेंगे, तार सप्तक के साथ से नीचे क्यों आएंगे। प्रैक्टिस करें ए शार्प स्केल पर और साथ साथ में सभी स्केल्स पे इसकी प्रैक्टिस करें। आइए मैं बिलावल थर्ड के कॉर्ड भी इसमें बता देता हूं आपको। पहला जो कॉर्ड है सागा पा, इनमें उंगलियों का पैटर्न देख ले, इस स्किल को बजाने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो भी आपको फिंगर की पैटर्न बताए, फिंगर्स के पैटर्न बताए हैं, उन्हीं पैटर्न्स पे आप अलंकारों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी उन फिंगर्स पैटर्न पे आपकी जो प्रैक्टिस हो गई तो आपको आगे फास्ट हारमोनियम बजाने में वो दिक्कत नहीं महसूस होगी, आपकी उंगलियां फंसेंगी नहीं। अब भले आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी वो आगे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। आइए कुछ थाट को भी हम देख लेते हैं इसी स्केल पे। पहले बिलावल थाट मैंने बजा दिया, अब हम कल्याण थाट की ओर चलते हैं। कल्याण थाट में मा तीव्र, काफी में गा और नी कोमल प्रयोग होते हैं। आशावरी थाट इसे देखिए एकदम सी शार्प स्केल की तरफ बज रहा है जो आशावरी है। ये
सी शार्प स्केल एकदम से बन गया है। तो इस प्रकार से जितने भी स्केल हैं सभी की इन पर प्रैक्टिस करें, और आगे आने वाले आज इसी वीडियो के साथ मैं कुछ आपको किस प्रकार से रियाज करना है उसकी भी कुछ टिप्स दूंगा, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छे से ए शार्प स्केल की प्रैक्टिस करें। पांचवी काली बहुत ही महत्वपूर्ण काली, जिस प्रकार से सी शार्प का बहुत महत्व है उसी प्रकार से पांचवी काली ए शार्प स्केल भी खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्केल माना जाता है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।